Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... ओ भाई आ जाओ, लकड़ियां जो जल गई हैं। पानी लेके आओ। हाय, आज हमबोर्ग में हमने स्टे किया। रात को हम जो है वो रात को 8 बजे पहुंचे, यहाँ रेस्ट रूम लिया, रेस्ट रूम में स्टे किया और बहुत ही इंटरेस्टिंग विजिट रही। बॉनफायर किया और खूब एंटरटेनिंग एनवायरनमेंट में हमने जो है वो पीसफुली यहाँ वक्त गुजारा। अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर जो है वो मैं आपको पहले सी व्यू तो दिखा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको एक नज़ारा दिखाऊंगा कि आप एक नज़र देखें कि किस तरह कुदरत जो है वो इस सर्दी के मौसम में जो है वो कितना खूबसूरत नज़ारा बनता है। आप देख सकते हैं पीछे पूरा एनवायरनमेंट। देखिए, मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी मुकम्मल तौर पर जो है वो बताया था इसके बारे में पूरी डिटेल। ये सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम का मैं आपको भंपोर से नज़ारा पेश कर रहा हूँ। आज जो मैं आपको थोड़ा सा इस पर बात करेंगे वो टॉपिक ही डिफरेंट है, उसको जो है वो थोड़ी देर में मैं आपको नाश्ता करने के बाद जो है वो इस पे पूरी डिटेल एक थोड़ा सा उन चीजों पे बात करेंगे जो हमारी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। कभी हम उस पे सोचते हैं और कभी हम उस पे बिल्कुल नहीं सोचते, लेकिन सोचना जरूर चाहिए क्योंकि कुदरत ने जो है वो हमें अकल अता की है और इसको इस्तेमाल अगर हम नहीं करेंगे तो ये भी एक कर्ज बन के रह जाएगा। आज जिन चीजों पे हम बात करेंगे वो है, शायद मैं कोशिश करूंगा कि यहां पर कुछ लोगों का ओपिनियन भी आपके सामने रखूं कि आपको पता चले कि लोगों का ओपिनियन क्या कहता है। वो प्यार को, मोहब्बत को, इश्क को किस तरह सोचते हैं। मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा यकीनन, लेकिन कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि असल में लोगों का ओपिनियन क्या है। किसी का ओपिनियन भी मुकम्मल नहीं है, लेकिन एक दूसरे से सीखते हैं। हो सकता है
कि किसी की सोच दूसरे की सोच से बुलंद हो और उसकी सोच और उसके एक्सपीरियंस जो उसे बताता है वो कहीं ज्यादा अहम हो और करीब तरीन हो जो कुदरत ने हमें उसकी डेफिनेशन अदा की। ये सुबह सवेरे का मंजर है भंभौर के टॉप से। यहां देखें, यानी इस पूरे मंजर को मैं आपको पहले ही अपने प्रीवियस में बता चुका हूं। और यहां पर मेरा मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि आपको सुबह के मंजर भंभौर से जो है वो एक बता सकूं कि कितना खूबसूरत मंजर पेश कर। आज मैं आपको भंभौर में जिस नई जगह पर लेके जा रहा हूँ, इस नई जगह पर मैं पहले नहीं गया था, शायद वक्त की कमी की वजह से या फिर जो है वो गर्मी की शिद्दत की वजह से, लेकिन आज जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि पानी के उस करीब तरीन जगह पर जाया जाए जहां से ये खूबसूरत मंजर को मैं आपको दिखा सकूं कि ये किस जगह पर जो है वो ये जगह जो है ये मैं आपको बताऊं। मैंने जो अपनी पिछली व्लॉग बनाया था उस व्लॉग में जो है वो आपको जो बताया था जहाँ पर घोड़ लोग घोड़े और ये बांधते थे और एशिया की पहली जो मॉस्क थी जो मोहम्मद बिन कासिम ने बनाई थी और किस तरह वहाँ उस वक्त स्कूलिंग सिस्टम चलते थे, तो अब जो है वो मैं उससे आगे आकर ये आपको उसका उसके बारे में भी डिटेल बता रहा हूँ। यहाँ पर ये कुछ जाली लगा के बंद किया हुआ है, शायद ये बहुत बारीकी से ढूंढा हुआ जो है वो जगह है। यहाँ पे इस पे अभी काम चल रहा होगा। ये मेरी पिछली वीडियो में जो है वो मैंने आपको ये नहीं दिखाया। ये वो पार्ट्स हैं जो अभी आर्कोलॉजिस्ट जो हैं वो तलाश करके फाइंड कर रहे हैं कि और मजीद एरियाज को अभी तलाश किया जा रहा है। इस जगह पर मैं पिछली मर्तबा आपको बिल्कुल भी नहीं लेके आया था। जो मैं अभी आपको लेके जा रहा हूं और हाँ पहले मैं यहां नहीं लेके आया था वो सूरज। आप मैं आपको यहां से सूरज के तुलू होने का बहुत ही खूबसूरत मंजर दिखा रहा हूँ। चाची जी, कोई भी रैंडम पार्ट चूज करके सब खोल सकते हैं या फिर उन्हें यहाँ तक भी कैसे मिला कि उस जगह पे हो गए? ये देखें, ये हिस्से मैं पहले नहीं लाया था।
अर्ली, अभी सूरज निकल रहा है। नाइस यार, सनराइज हो गया। इस जगह को जो है वो पहले मैं आपको नहीं लेके आया था, इस जगह पर वो दूर में सा जो आए हैं मेरे शागिर्द, मेरे स्टूडेंट्स, वो भी इन सिविलाइजेशन को देखने के लिए। ये मैं आपको जिस रास्ते पे भी लेके जा रहा हूँ, ये वो रास्ता है जो मेन सी पोर्ट की तरफ जाता है। ये है क्रीक घारो और ये वो गेट है, मेन गेट, जो यहाँ ये सीढ़ियां भी है। और यहाँ पर जो है वो पोर्ट बनती थी, पोर्ट थी, और जहाँ पर तमाम तजारत की जितने भी चीजें थी वो इस रास्ते के जरिए आती थी। ये हम एकदम पानी के करीब आ गए जहां पे आके वो रुकती थी। आप देखें ये इस तरह वो ईंटों से बनी हुई। वेलकम टू आर एन आर ब्लॉग। वेलकम टू ऑल। तो कैसे हैं? हाँ भाई, आप मुझे बताएं कि आप इतनी सुबह जो है वो यहाँ पर किस मकसद के लिए हैं? हमारे टीचर ने, सबसे फेवरेट टीचर ने ये पिक ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी और सबसे बेहतरीन ट्रिप थी, क्योंकि यहाँ पर नाइट स्टे सबसे आला तरीन था। और सुबह का मंजर जो आज हमने देखा ना, वो आप वीडियो में भी देखेंगे, बहुत ही आला, बहुत ही खूबसूरत था। सबसे बेहतरीन जगह है बम्बोट जो आज देखी। सिंध में भी इतनी तारीखी जगह है, कभी सोचा भी नहीं था। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा। अब आपको ये मॉर्निंग का एक मंजर, सूरज के तुलू होने। नेक्स्ट टाइम उस आइलैंड में जाएंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। कैसे नहीं, वो बोट्स होती है ना, बोट्स बुक होती है, कोई मसला नहीं, क्या आएंगे। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ भी जा रहे हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि पानी के जितने भी करीब हो सके हम करीब होकर, ये देखें, ये उस वक्त सतून जो गिर, अब गिर गए। और ये है पूरा एकदम करीब, इससे आगे ये थोड़ा सा कीचड़ है। वो सामने जो है, मैं आपको यहाँ क्लोज करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो बने हुए हैं, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि हम उस जगह जाएं और वहाँ से व्लॉगिंग आपको दिखाएं। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ पीछे की साइड से बता रहा हूँ,
यानी जहां पर जहाज आके रुकते थे। चले उसी वापस उसी रास्ते से हम वापस चलते हैं। ये ईशान आपको थोड़ा सा इस इलाके के बारे में बताएंगे कि ये इलाका आगे जाके कहाँ से मिलता है और ये पानी कहाँ कहाँ से होते हुए सीधा समंदर से जाके मिलता है। जी बिल्कुल जी ईशान, जैसे कि आप सामने जजीरा देख रहे हैं, जैसे कि आप सामने जजीरा देखें, फिर आप देखें कि एट द मोमेंट ये सामने पानी जो आपको नज़र आ रहा है, इससे पहले बम्बोर था और ये पानी को एकदम क्रॉस करके फिर सबके सब ना ये पानी को एकदम क्रॉस करके सबके सब आगे आगे विलेजेस आ जाते हैं। मगर ये पानी जो है ना, ये पानी जो एग्जैक्टली जाके दरिया सिंध अरेबियन सी जो आता है गारो केटी बंदर, और वहाँ पर ना एक स्पेशल कोई चीज़ें भी हैं। जैसे ये आइलैंड्स हैं, ये आपको आइलैंड्स दिखा देते हैं, जैसे आगे आया था बुद्धू आइलैंड, ये रहा, ये आप देखें जजीरा बुद्धू, मतलब आगे आइलैंड्स भी हैं जो हिडन से हैं, मतलब कि हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन, मतलब कि हमारे आम तौर पे लोगों को पता नहीं होता है। और यह है खिप्रियान वाला आइलैंड, देन ये आ जाता है केटी मंदिर, यानी ये घूम के सीधा, इन शॉर्ट जो अभी इन्होंने बताया है वो असल में ये अभी गूगल मैप से बता रहे थे, ये सीधा जाके कराची में होता हुआ सीधा समंदर में गिरता है।